जैसा कि हमने उसके माध्यम से पता चल रहा है कि चाइना और कुछ देशों में कोरोना का काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और इसी तारतम्य में शासन से निर्देश आए हैं कि पूरे तैयारी पुख्ता कर ली जाए। इसी तारतम्य में हमने आज अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें कि हमने एक मॉक मरीज को हॉस्पिटल में लेके आए, उसकी तैयारी उसको ला के और उसका इलाज शुरू करने तक की पूरी तैयारियों को परखा। उसमें क्या कमियाँ हैं और क्या है, इसको एनालाइज करते हुए आगे वो तैयारियों को पुख्ता किया जाएगा। जावद चिकित्सालय की बात करें तो वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई अभी है? आइसोलेशन वार्ड हमारा तैयार है और सारा स्टाफ, हमने स्टाफ को उनकी ड्यूटी समझा दी है कि जैसे ही मरीज आना शुरू होते हैं तो किसका क्या रोल रहेगा, और उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट हमारा तैयार है, तो सभी तरह की तैयारियाँ हैं, दवाई गोलियों से लेकर सभी चीज़ों की पूरी सुनिश्चितता हमने कर ली है। किस किस तरह के वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं, कितने मरीज एक साथ यहाँ भर्ती रह सकते हैं, क्या व्यवस्था है? अभी वर्तमान में हमने करीब 15 मरीज भर्ती हो सके इसकी तैयारी कर ली है। उसके अलावा हमारा डोम भी तैयार है, उसमें 50 मरीजों की व्यवस्था की जा सकती है, ऑक्सीजन लाइन से वो कनेक्टेड है, तो तैयारियाँ तो हमारी लगभग पूरी है। आपका नाम? डॉक्टर प्रवीण बाबू। सर, ऑक्सीजन प्लांट शट डाउन हो रहा है, ये भी जानकारी में आया? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट चालू है, उसमें थोड़ी सी खामी थी तो उसको भी चालू करने के लिए इंजीनियर को बुला लिया है। एक्चुअली सुबह जब हमने चलाया था तो काफ़ी टाइम से वो बंद था, मेंटेनेंस जो है उसका करना था, केवल ज़्यादा बड़ी उसमें समस्या नहीं आई है तो वो चालू है। इतना दे दी गई उसकी? हाँ, उचित दे दी है कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर है।